राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी दोनों ग्रुप्स के सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब्स पर हमारे फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा पद्धति से जो है वेरियस डिजीज पर हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट के माध्यम से जो है चर्चा कर रहे हैं। आज हम एक और आपकी रिक्वेस्ट पर डिजीज लेकर के आए हैं, जिसको बोलते हैं आईबीडी भी बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस या आंतों की सूजन। तो साथियों, आज हम इस डिजीज पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, और जो नए साथी हैं जो पहली बार जो इसको देख रहे हैं वो भी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे कोई भी महत्वपूर्ण ऐसी वीडियो जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है हम डालें और आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम चर्चा करते हैं साथियों अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाइटिस का मतलब है कि कोलिक रीजन के अंदर सूजन आ जाना, उसको हम कोलाइटिस कहते हैं। और जब उसके अंदर घाव हो जाते हैं इंटरनल लेयर पर, तो उसको हम अल्सरेटिव बोलते हैं। तो सूजन और घाव जब हो जाते हैं तो उसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं या आंतों की सूजन कहते हैं। साथियों, ये एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, जिसको आईबीडी हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। रोगी के पाचन तंत्र में सूजन और जो है घाव का ये कारण बनता है, सूजन जो है आईबीडी। तो ये रोग ज़्यादातर जो है साथियों बड़ी आंत के अंतिम ऐसा जो होता है, कोलन और जो मलाशय की अंदरूनी इंटरनल जो लेयर है, परत है, उसके आसपास में ही ये रोग ज़्यादातर होते देखा गया है। साथियों, इस प्रकार की अवस्था को जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर आंतों की सूजन के नाम से इसको जाना जाता है, हम जानते हैं। कारणों पर इसकी चर्चा करें तो साथियों, अभी इसका सटीक कारण कोई भी नहीं मिला है। वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी तक चिकित्सा वैज्ञानिकों ने इसका कोई भी सटीक कारण अभी नहीं ढूंढ पाए हैं। वो फिर भी जो है कई कारण हैं, जैसे दूषित खान पान, स्ट्रेस, कमज़ोर इम्यूनिटी, जिनकी अंदरूनी पावर जो है इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, ऐसे लोग जो होते हैं उनको ये बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। हेरिडिटरी, जिसको हम बोलते हैं वंशानुगत बीमारी, यदि पास्ट हिस्ट्री में किसी पुरुष को या स्त्री को इस प्रकार का ये रोग होता है, तो उसकी आगे आने वाली संतान में भी ये रोग होने की जो है पूरी पूरी संभावना होती है। इसके अतिरिक्त जो पर्यावरणीय कारक हैं वो भी इस रोग का कारण हो सकते हैं। पर्यावरण जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, और जैसे एंटीजन प्रतिरक्षा प्रणाली है, तो ये इस रोग को ट्रिगर कर सकते हैं, इसके कारण भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो लोग ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो है वो भी इस रोग में जो है शुरुआत में जो है प्रमुख भूमिका इसके निभाते हैं, इसके शुरुआत होने में, इस स्टार्टिंग होने में। तो लक्षणों की बातें करें तो साथियों, पेट में दर्द रहना, मल के साथ में जो है रक्त का आना, और जो है वजन घटना, भूख ना लगना, बुखार रहना, उल्टी, मितली,
का आना, मल त्याग करने की बार बार इच्छा होना, खून की शरीर में जो है कमी हो जाती है, जोड़ों में दर्द, स्किन के अंदर घाव वगैरह बनने लगते हैं, आँखों में जो है पानी आने लगता है, तो इस तरह के जो लक्षण हैं वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो है लक्षण हैं, उसको आसानी से पहचाना जाता है। इसके अतिरिक्त जो है कॉलोनोस्कोपी है उसको कराया जाता है, और मल टेस्ट है उसका भी कराया जाता है। तो इस प्रकार के कई टेस्ट भी हैं उसके माध्यम से, जो पैथोलॉजिक टेस्ट हैं उनके माध्यम से भी जो इसका पता लगाया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार के ये लक्षण हैं, और इलेक्ट्रोमोपैथी में हम किस प्रकार से जो इसका ट्रीटमेंट दें, क्योंकि काफ़ी साथियों ने जो है इसकी रिक्वेस्ट की थी कि क्योंकि ये हमारी न्यू इस बुक में शायद नहीं है, तो ईएच ट्रीटमेंट हम इसमें क्या दे सकते हैं इलेक्ट्रोमोपैथी में। तो साथियों देखिए, ये एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है का रोग है, तो पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो तंदुरुस्त बनाना होगा। उसके लिए हमने जो है बीपी, इसके साथ में बीसी, इसके साथ में जो है एस10 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया है पहले कंपोजिशन में। बीपी की हम यहाँ पर 30 ड्रॉप लेंगे, 30 बूंद लेंगे। बीसी की जो है यहाँ पर हम 15 ड्रॉप लेंगे, 15 बूंद लेंगे। एस10 की हम यहाँ पर 30 जो है 30 बूंदे लेंगे, और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की भी 30 बूंदे यहाँ पर हमने 30 ml की खाली बोतल में लेनी है D4 से, और बाकी का डिस्टिल वाटर डाल करके उसके अंदर 10-10 बूंद दिन में 4 बार रोगी को दें। दूसरा हमारा कंपोजिशन बनता है C10 विनिरियोवन और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जी। साथियों ये तीनों मेडिसिन स्ट्रक्चरल मेडिसिन है, क्योंकि आँख के अंदर जो है सूजन वगैरह बन जाती है, तो C10 सब जानते हैं कि आंतों की मेडिसिन है, आंतों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है, चाहे वो उसमें अल्सर हो या घाव हो या सूजन हो या आंतें में कोई इन्फेक्शन हो, तो C10 जो है यहाँ पर औषधि जो है बहुत अच्छा काम करती है। और दूसरी जो है विनिरियोवन साथ ही इसकी सहयोगी मेडिसिन है, इसके साथ साथ में ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जो है इसकी सहयोगी मेडिसिन है, इसलिए यहाँ पर ये तीनों स्ट्रक्चरल मेडिसिन को इसका इकट्ठा कंपोजिशन यहाँ पर बना करके इन तीनों की जो है 5-5 बूंदें 30 ml बोतल में डाल करके, और बाकी का डिस्टिल वाटर उसके अंदर डाल लें, और 10-10 बूंद 2-2 घंटे पर रोगी को पिलाएं दिन में। और अगर किसी प्रकार का जो है रोगी को क्या होता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, तो उसमें और भी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम वो बढ़ जाती है, तो ऐसे में जो है सलास और YE, ये दोनों D3 से लेना है, इसकी 20-20 बूंदें, 20 बूंद सलास की और 20 बूंद YE की D3 से लेना है, और इसको एक गिलास में डाल करके गुनगुने पानी में रोगी को पिला देना है। इसके अतिरिक्त जो है ये तो इंटरनल मेडिसिन थी, कुछ एक्सटर्नल मेडिसिन का भी हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, जहाँ पर पेन रीजन है, पेन एरिया है जहाँ पर, वहाँ पर हम जो है इसका कोल्ड कंप्रेक्स जो है लगाते हैं, इसमें A2, C5, S5 और RE और B का जो है यहाँ पर प्रयोग करते हैं। 5 मेडिसिन है इसकी जो है 12-12 ड्रॉप D3 से लेना है, और इसमें से जो है 40 बूंद 2 लीटर पानी में डाल करके साथियों उसमें जो है कोई भी कॉटन का कपड़ा ले करके 4 लेयर उसकी बना लें 4-5, और उसके अंदर भिगो करके जहाँ पर पेन है तो वहाँ पर जो है इसको रखना है कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट के बीच के तक जो है पेशेंट के उसको सुबह शाम जो है इसको रखें, तो आंतों की सूजन जो है वो बहुत जल्दी उतर जाती है, और रोगी के जो है नियम पूर्वक अगर इसका जो है ट्रीटमेंट लिया जाए तो वैसे तो एलोपैथी में या किसी पैथी में अभी तक सुना नहीं है कि ये रोग ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कष्ट साध्य है,
लेकिन ये ठीक हो जाता है। इसमें रोगी को दवा खाने के साथ थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है और अपने खान पान में जो है बदलाव करने की आवश्यकता है। ज़्यादा गरिष्ठ पदार्थ जो है नॉन वेज और मिल्क प्रोडक्ट से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं वो सब जो है इसमें अवॉइड करने होंगे। और इसके साथ साथ में जो हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, पत्ते वाली सब्जियां हैं जो, और बिना बीज वाले जो फल हैं जैसे सेब है, चीकू है, पपीता वगैरह है, केला वगैरह है, तो इस तरह के जो फल हैं वो ज़्यादा मात्रा में रोगी को खिलाए जाएं। और हो सके, जहाँ तक कोशिश हो सके कि मोटे अनाज का प्रयोग और साबुत अनाज का प्रयोग हो सके तो बहुत अच्छा इसके अंदर होता है, जो है रोगी को बहुत फ़ायदा इसके अंदर मिलता है। तो साथियों, इस प्रकार से जो है खान पान का भी विशेष इस रोग के अंदर ध्यान रखना आवश्यक है। और औषधियाँ जो हैं, अपनी मेडिसिन जो दवाइयाँ हैं वो भी रोगी को रेगुलर नियमित तौर से जो है उसको दवाइयाँ लगातार दें, क्योंकि साथियों ये जो है ठीक जरूर होगा लेकिन इतना जल्दी जो है इसमें आराम शुरुआत में नहीं दिखता है, धीरे धीरे जो है, क्योंकि अल्सर अगर इसके अंदर है तो उसमें समय लगता है। तो साथियों, धैर्यपूर्वक चिकित्सा करें, रोगी को भी जो है उनको धैर्य जो रखने के लिए बोलें और इसका ट्रीटमेंट करें तो हमें इसमें 100% जो है लाभ की उम्मीद है। तो साथियों, आज का हमारा जो है ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर देना। और हमारे कुछ साथियों ने जो है बुक के बारे में पूछ रहे हैं, जो अभी नए जुड़े हैं, कि बुक क्या है और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कितने जो है उसके अंदर पेजेज हैं, तो ये सब कुछ पूछ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनको भी ये जानकारी देना चाहेंगे, जो हमारे नए साथी हैं, देखिए जिन्होंने अभी अभी कोर्स किया है या अपनी जो किताबें पढ़ करके, वो जो कोर्स की किताबें पढ़ करके आए हैं, थ्योरी की पढ़ करके आए हैं, वो अलग चीज़ है। और ये जो साथियों बुक है, ये हमारी जो बुक है, ये जो है प्रैक्टिस के लिए ये बुक हमने जो है इसकी रचना की है, क्योंकि हम प्रैक्टिशनर हैं और हमारे लाइफ में, कैरियर में काफ़ी जो है इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स हमने भी फेस की है, तो हमने भी आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए ये बुक को जो है इसको रिटर्न किया है, इसको लिखा है। तो साथियों, ये 3-in-1 है, इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मैट्रिया मेडिका और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो है इस बुक के अंदर है। और इसके अंदर जैसे पहला सब्जेक्ट है, और कुछ साथियों ने पूछा था कि सर इसमें जो है ना वो पैथोलॉजिक टेस्ट भी इसके अंदर जो हैं, तो साथियों देखिए इसके अंदर जो है ये पैथोलॉजिक टेस्ट भी है, कौन से रोग में कौन सा टेस्ट कराया जाता है इसके बारे में भी जो है पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर ये जानकारी दी है। शायद आपको, क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है तो इसमें हो सकता है कि आपको ये उल्टा इमेज इसके अंदर दिखता होगा। तो साथियों, ये इस तरह से इसमें इसके टेस्ट लिखे हुए हैं, इसके अंदर कम से कम 32 टेस्ट हैं। और इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट हमारा, देखिए हमारा पहला सब्जेक्ट जो है वो है फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, ये फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पहला सब्जेक्ट है। उसके बाद में जो है हमारा ये मैट्रिया मेडिका आ जाता है, और तीसरा सब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पर जो आता है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हो जाता है। तो ये हमारा जो साथियों इसके अंदर जो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ये सब्जेक्ट है। इसके अंदर देखिए साथियों, जैसे ये पाचन तंत्र के रोग हैं, तो पाचन तंत्र के जितने भी रोग हैं, पाचन तंत्र के अंतर्गत जितने भी रोग आते हैं उसके अंदर, जैसे गुदा में दरार है, अनल फीसर है, मंदाग्नि है, उपांतर शोध है, कोष्ठबंध कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलिक पेन है, तो जीर्ण दस्त हैं, या क्रोनिक डायरिया जिसको हम बोलते हैं, पेट के घाव, एड्यूडिनल अल्सर बोलते हैं, बदहजमी, अपच, जलोदर, अम्लपित्त, गैस, गैस्ट्रिक पेन, मोटापा, पेट की चर्बी, तो पित्ताशमरी, जीविस्टोन, बवासीर, मधुमेह, यकृत शोथ, सूजन, लीवर सिरोसिस, पीलिया, मल द्वार की खुजली, कांच, गुदा, भ्रंश, अग्नाशय, हर्निया, आंतों में सूजन, यकृत बढ़ना, मल द्वार की सूजन। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम से ज़्यादातर जो रोग है वो हमने इसमें कवर करने का प्रयास किया है। और इसके बाद में साथियों मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसके अंदर जो है ये हमारा जो है पायरिया है, ये उल्टा दिख रहा आपको, तो
तो इसके अंदर जो है पारिया क्या है, किस प्रकार से जो है ये होता है, रोग होता है, और किसकी कमी के कारण ये रोग होता है, इसके रीजन, इसके कारण, और जो है इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या क्या है। और उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर हमने ईएसटी लिखा हुआ है, तो ईएसटी इसके अंदर क्या है कि ये इलेक्ट्रोमोपैथिक ट्रीटमेंट, इसको हम बोलते हैं ईएसटी को। तो यहाँ पर देखिए बीपी, बीसी, सी4 और भी इनकी सब की जो है बूंदे लिखी हुई है यहाँ डी4 से, तो ये आपको दिखती होंगी शायद इसके अंदर। तो इसमें जो 30 ml में बनाएं और जो है 10 बूंद QID दे। दूसरा कंपोजिशन देखिए साथियों, यहाँ पर C13 विनिर्योवन वर्वन और जी का है, सबकी 5-5 बूंदे हैं G4 से D4 से, और ये 30 ml मिला करके 10-10 बूंद 2 घंटे पर इसको देना है। गार्गले का है, जैसे गरारे करने हैं, घाव हैं अगर गम्स के अंदर, तो इस प्रकार से जो है A2C5 वर्मीफुगो2 और GE का, तो यहाँ पर 15-15 बूंदे D3 से 30 ml में लेना है, और 40 बूंद 1 गिलास गर्म पानी में मिला करके जो है उसको गरारे करने हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रीटमेंट इस बुक के अंदर लिखा हुआ है, और लगभग साथियों इसके जो पेजों की संख्या है वो 700 है, और जो है मैक्सिमम जो है हमने इसके अंदर 250 से भी अधिक जो है बीमारियां इसके अंदर जो है हमने कवर करने का प्रयास किया है। उसके बाद में जो है कुछ ऐसी जो है हमने लिखी है, कुछ जो है अपने एक्सपेरिमेंट हमने जो लिखे है अनुभव के, कुछ लाभदायक अनुभूत योग है, जैसे एनीमिया, रक्तलापता है, इस तरह से जो एब्सेस है, एसिडिटी है, एडिक्शन, नशे की लत, एनाल्जेसिक ब्लीडिंग होना, कोलिक पेन, कोरन मस्सा, तो ये शॉर्टकट में भी जो है इसमें लिखा हुआ है कि आपको ज़्यादा किताब में ना पढ़ने पड़े। कोई ऐसा पेशेंट आ जाता तो शॉर्टकट में भी आप उसको जो पेशेंट को जो है आप मेडिसिन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसके अंदर भी जो है लगभग हमारी 43 जो है प्रकार के जो रोगों के बारे में इसमें हमने लिखा है, और सब कुछ इसके अंदर जो बताया गया है। तो साथियों जो हमारे नए साथी हैं, मेरा इस बुक को आज आपके सामने जो है प्रस्तुत करने का अर्थ यही था, पर्पज यही है कि जो हमारे नए साथी हैं, अभी अभी नए आए हैं, उनको जो है अभी इतना प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो बहुत कम है, और ऐसे में अब क्या करें कि हम क्लिनिक भी खोलें और हमें जो है प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे हो। या तो ये हो कि आप किसी डॉक्टर के पास में जाएं, वो आपको बताएं, तो ऐसा करना तो फिर आपके पास बहुत समय लग जाएगा उसके अंदर। और कोई भी ऐसा, सभी हमारे जैसे साथी नहीं है कि जो आपको एक बार में ही सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो भी खुद जिनको 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं सीखने में, वो भी इतना ही समय लगभग उनको सिखाने में लगाते हैं। तो अगर आपने जो है डिग्री कर लिया है, रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया है, और इलेक्ट्रोमोपैथी की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बुक जो है आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये बुक अगर आपके पास में है तो आप जो है रोगी का इलाज बड़ी इजीली तरीके से कर पाएंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। इसके लिए अपने जो है फीडबैक ज़रूर दें, और हमारे जो आरवी गोस्वामी ग्रुप के साथी हैं, मैंने उनसे बड़ी कंप्लेंट है, बड़ी शिकायत है कि वो इस वीडियो को देखते नहीं है और ना ही कोई अपना फीडबैक देते इसके अंदर, और कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो अपना ट्रीटमेंट शेयर नहीं करते हैं आरवी गोस्वामी ग्रुप में। तो साथियों देखिए, यदि ऐसा ही रह गया तो फिर हमने जो है उस आरवी गोस्वामी ग्रुप को समाप्त करना होगा। लेकिन हमारे एक्टिव ग्रुप के जो साथी हैं, वो हरेक जो है जिस पे जो भी है एक्सपीरियंस जिनको होता है, वो अपने जो फीडबैक जो है पोस्ट वो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करते हैं। मैं उन सभी साथियों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार से जो है अपने वैल्यूएबल जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस ग्रुप का जो पर्पज है वो जो है सबको नॉलेज हो इस चीज़ का। तो अगर हम कोई अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं या हमने कोई जो है ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें हमारा एक्सपीरियंस बनता है और उसमें हमें सफलता मिलती है, तो हमें ज़रूर उसको शेयर करना चाहिए। साथियों देखिए, एक साथी तक अपने तक सीमित ना रखें इसको, सभी साथियों में जो है इसको जो है पोस्ट डाल दे, और ज़्यादातर जो साथी है वो ट्रीटमेंट नहीं लिखते हैं, वो तो दिखा देते हैं, इमेज दिखा देते हैं, और जो है वीडियो भी डाल देते हैं और रिपोर्ट भी डाल देते हैं। लेकिन साथियों जब भी आप कोई अपना एक्सपीरियंस बताएं
तो या तो उसमें अगर बुक में आपसे ने लिया है तो बुक का पेज नंबर उसको बता दे कि ये पेज नंबर पर जो है इस बुक में लिखा गया है, आप उस पर देख लीजिएगा। और यदि अपने वैसे ही जो है वीडियो मतलब यूट्यूब से आपने देखा है या अपने वीडियो लेक्चर से जो है आपने कलेक्ट किया है, तो उसको वीडियो लेक्चर का जो है नाम बता दे कि फला वीडियो लेक्चर आप सुन ले, उसमें जो ट्रीटमेंट लिखा है उसको आप फॉलो कर ले। तो इस प्रकार से जरूर आप बताया करें। मेरी सभी साथियों से ये जो है सुझाव है, सलाह है कि वो सब इस प्रकार से करें। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।